बाबुआ के बाहर बाहो काहे की जिंदगी झंड बा और विरोधी लोगन इतना बुरी तरह हाड़ ताड़ा हम रवि किशन ही पूछे चाहता नहीं कौने बात का घमंड बाहो। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की सरकार आ रही है और पूरा माहौल हम ही पटना एयरपोर्ट पर खड़ा है पूरा माहौल कहें कि हम पूरा जीवना बिहार में बिहार है हमके सुपरस्टार बनोले हमको मालूम है कि क्या माहौल है और पूरी तरह से सच्चाई एक सच्चे आदमी नीतीश बाबू जिन पर कोनो दाग नहीं 15 साल से एक कलंक नहीं है उन्हीं की सरकार बन रही है और एकदम हुर्रा के बन रही है। लेकिन चिराग कह रहे हैं कि उनको जेल भेजवाएंगे अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला आया तो जांच करवाएंगे और गड़बड़ी हो तो जेल भेजेंगे। जेल कहाँ भिजवाएंगे कहा जेल भिजवाएंगे वो बोल रहे हैं कि सात निश्चय योजना में उन्होंने अगर घोटाला नहीं नहीं कौन 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 बात का जेल भिजवाएंगे एक दाग नहीं है नीतीश जी पे शराब बंद करवाए इसलिए जेल भिजवाएंगे माई बहन लोगन का जो आज इतना इज्जत बच गया इतना खुश है सब बेटी लोग कौन बात के लिए जेल भिजवाएंगे ओछी देखिए राजनीति होती है लेकिन इतनी ओछी होगी हमको नहीं मालूम था। चिराग बाबू से आज उनके पिताजी को हम बड़ा प्रेम करते हैं हम चिराग बाबू को भी प्रेम करते लेकिन ये शब्दों का हम उनको माफ़ी मांगनी चाहिए नीतीश जी से उनको डेफिनेटली आज ही माफ़ी मांगनी चाहिए ऐसे शब्दों के लिए इतना सम्मान है नीतीश बाबू का पूरे बिहार में उनको जेल भिजवाएंगे ये कौन बात भाई लो ये कौन बोली बा चुनाव जीतिए हेडलाइन बनाइए आप लेकिन ये नहीं कि नीतीश बाबू को अरेस्ट करो ये कौन भाषा भाई गलत बात। तेजस्वी यादव ने आज प्याज की माला भेंट की है नीतीश कुमार को और बीजेपी को कहा है कि माला पहनिए पहले आप घूमते थे प्याज की कीमत बढ़ गई। अभी चुनाव का डेट जैसे जैसे नजदीक आएगा लोग पेड़ पे उल्टा भी लटक जाएगा तब प्याज का माला आई तब लहसुन का आई तब लिट्टी चोखा आई तब बौरा बौरा के जौन जौन करे के बाद सब लोगन के जैसे मालूम पड़ गई। देखा एक बात बता दें पूरे बिहार के भैया हो हमके चिन्ह ताड़ा सब लोग हम वह आदमी जो भोजपुरी खातिर जीवन फूक दे अपन एगो हुड़दंग ये जोन भीड़ देखा ताड़ा तेजस्वी जी के सभा में वो हुड़दंग पूरा हुड़दंगी लोग आ रहा है और हुड़दंगी भीड़ बा और लोग और उसी से पूरा बिहार को मालूम पड़ गया कि अगर ये सरकार आ गई हुड़दंगों की तो 15 साल पहले जैसे हम आते थे बिहार में और हम 20 साल से यहाँ बिहार का गाँव घूमे तो हमको मालूम है कि पहले यहाँ क्या होता था तो वो हुड़दंगी सरकार नहीं चाहिए कि माई बहन बेटी 6 बजे के बाद घर से ना निकले डॉक्टर किडनैप हो जा रहा है व्यापारी किडनैप हो जा रहा है बच्चा लोग जा नहीं पाएगा स्कूल गोली चलेगा हर जगह हम लोगों को फिर उस अंधेरे में नहीं जाना। बिहार अब बहुत ऊंचाई पर आ चुका है बिहार एगो सम्मान पाया देवों की धरती है ये साहित्यकारों की धरती IAS IPS की धरती है कलाकारों की धरती है ये बिहार को हम लोगों को पीछे अंधेरे में नहीं ढकेलना है और बिहार ने तेजस्वी बाबू की सारी सभाओं को देख के भाप लिया और पूरा पड़ला अभी NDA की तरफ आ चुका है। हर हर महादेव जीतल जाय जय बिहार कर होई बिहार अंतिम सवाल हर हर महादेव नीतीश बाबू जीतियन हो एकदम शंखनाद होई।